मुंब्रा शहर का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडफोर्ड, लोगों की जरूरत को नजर रखते हुए मेडफोर्ड ने हर फैसिलिटीज उपलब्ध कराई है। 6 ओपीडी, 4 ओटी और 24 घंटे कैजुअलिटी फॉर इमरजेंसी। इस 60 बेडेड हॉस्पिटल में आपको 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज मिलेगी, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट में। 6 डिलक्स, सेमी डिलक्स और स्वीट रूम्स टीवी और वाईफाई के साथ उपलब्ध किए गए हैं। मुंब्रा की नशे की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज भी अवेलेबल की गई है। हॉस्पिटल की ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें। महाराष्ट्र के परभणी में मॉब लिंचिंग की वारदात, चोरी के शक में 3 सिख युवकों की पिटाई, एक नाबालिग की हुई मौत, गांव के पूर्व सरपंच को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 27 मई देर रात को महाराष्ट्र के परभणी के उखलत गांव में एक चौंकाने वाली और दिल दहलाने वाली मॉब लिंचिंग की वारदात सामने आई है। यहां पर 3 सिख युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। ग्रामीणों को लगा कि ये बकरी या जानवर चुराने आए हैं, तो उसी शक के आधार पर पकड़ करके ग्रामीणों ने इनकी पिटाई शुरू कर दी, जिसमें कृपान सिंह भोन, ये 14 वर्षीय नाबालिग सिख किशोर था, जिसकी मौत हो गई। हालांकि अन्य ग्रामीणों ने पुलिस को कॉल करके सूचना दी। पुलिस पहुंची, मौके पर आकर उन्होंने सभी को इन बच्चों से मारपीट करने से रोका और इन्हें बचा करके फिर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया, मगर तब तक कृपान सिंह भोन की मृत्यु हो चुकी थी। वहीं गोरा सिंह टाक और अरुण सिंह टाक, इनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया। वहीं पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया है। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने महाराष्ट्र के सरकार को और महाराष्ट्र के सीएम, डीजीपी और गवर्नर को टैग करके इसमें तत्काल कार्रवाई की और दोषियों को सजा करने की मांग भी की है। पुलिस ने इस मामले में उखरत गांव के पूर्व सरपंच अक्रम पटेल को गिरफ्तार किया है। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अक्रम पटेल समेत कुल 4 लोगों को यहां पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नहीं, इधर आपने आता।